हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा पोल्ट्री चैनल पोल्ट्री नॉलेज। पोल्ट्री के डे टू डे वाइज जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को पोल्ट्री नॉलेज। देखिए, आज मेरा पोल्ट्री में चौथा दिन है और चौथा दिन में मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, पिछले वाले वीडियो में जो आपने देखा कि राउंड टाइप का बोर्डिंग था, वो बोर्डिंग हमने उठा दिया क्योंकि चौथा दिन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ज़रूरी है ये कि हम लोगों को स्पेस बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेस नहीं बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, पोल्ट्री में डिहाइड्रेशन का चांस आ सकता है। मतलब एक जगह में बहुत सारे चूजे अगर रहेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो इसके डिहाइड्रेशन अगर हो जाएगा तो पोल्ट्री का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए मैंने जो किया वो स्पेस थोड़ा बढ़ा दिया। स्पेस हर 400 चूज के लिए 16x12 फुट का स्पेस लगेगा, स्पेस बढ़ा देना चाहिए उस टाइप का। तो देखिए, मैं स्क्वायर का स्पेस बढ़ा दिया बोर्डिंग उठा के। और दूसरा वाला जो बात करेंगे वो है पर्दा। पर्दा मैं तीसरा दिन तक दिखाया कि पूरा पर्दा जो है वो गिरा देना चाहिए, लेकिन चौथा दिन के स्टार्ट होते ही पर्दा ऊपर का जो पर्दा है वो पर्दा को उठा देना चाहिए, ऊपर साइड का। नीचे साइड जैसे ही दिया हुआ है वैसे ही रहेगा, ऊपर का जो पर्दा है आप देख सकते कि वो उठाया है। देखिए, बाहर का नज़ारा भी दिख जा रहा है अंदर से, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और जो जगह बढ़ा देना चाहिए और पर्दा, ऊपर का पर्दा जो है वो उठा देना चाहिए, आप देख सकते हैं। बाहर का नज़ारा भी एक बार देख लीजिए, देखिए फार्म के अंदर से बाहर का नज़ारा दिख जा रहा है। तो ऐसा करना चाहिए। और तीसरा वाला जो बात है वो है आपका चिक्स डिंकर और फीडर कैसे सेट करना पड़ता है। देखिए, एक फीडर के बाद एक फीडर दिया हुआ है, एक डिंकर के बाद एक डिंकर दिया हुआ है। जैसे रो में है, मतलब चार डिंकर का तीन रो होगा तो 12 डिंकर और 6 फीडर आपको देना चाहिए हर 400 चीज़ के लिए चौथा दिन में, ठीक है। और आप देख रहे हैं किस तरह से सजाया हुआ है डिंकर, एक डिंकर के बाद एक डिंकर पूरा रो में दिया हुआ है। और जगह जो देख रहे हैं आप स्क्वायर टाइप का लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, जगह भी बड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से करना चाहिए। और तीसरा वाला, चौथा वाला जो बात है वो है चिक्स में कोई बीमारी आया है कि नहीं आया है, वो साउंड थोड़ा सुनना चाहिए। मतलब उसका जो चीखने का आवाज़, उस आवाज़ से ही पहचान में आ जाएगा कि उस चिक्स में कोई बीमारी आया है कि नहीं, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ऊपर वाला चारों तरफ का, चारों साइड का जो ऊपर वाला पर्दा है, उस पर्दा को ज़रूर है कि उठा देना चाहिए, वरना फार्म के अंदर गैस होगा तो गैस की वजह से बहुत सारी बीमारी आपका चिक्स में आ सकता है, ठीक है। इस तरह से चौथा दिन में मैंने मेंटेन किया, देख लीजिए एक बार आप। इस तरह से डे टू डे वाइज वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।